शोर की तो नखरे भी नहीं खत्म होते, छोटे छोटे बात पे नाराज हो जाते, छोटे छोटे बात पे नाराज हो जाते। इसके नखरे में देख देख के थक गई इतना, फिर भी मेरी गलती, मैं उसे सॉरी कहती हूँ, फिर वो नहीं मानता। अभी रात को फिर हमारी छोटी सी बात पर फिर झगड़ा हो गया, थोड़ी देर खुश रहा है, फिर वो नाराज़ होकर चला गया है सुबह इसी तरह से। तो फिर मैंने कहा चले, इसके ना नखरे भी नहीं ख़त्म होते, अभी आ जाएगा देखते हैं। अभी वो बोलता है मैं रात को, तो मैंने उसको सॉरी कह दी थी, तो अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। अभी आ जाए फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे अगली वीडियो में अभी इसका मूड किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो चले जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश होते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हमें देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और हमें पता है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क रोज़ी में बरकत डाले, अल्लाह पाक आपको हर परेशानियों से दूर रखे और अल्लाह पाक आपके आपको और आपके बच्चों के साथ आपको सलामत रखे। आमीन सुमामीन। तो जी मैं आई थी ऊपर क्योंकि मैंने धोए हैं आज कपड़े, तो ये देखें अनाया के अदरीस के, तो मैंने कहा चले धो लें। तो ना वो अदरीस के कपड़े मैंने धो के ना वो उतने जुमे वाले दिन, हाँ जुमे वाले दिन उसने पहने हैं, तो वो कलर वाले कपड़े हैं ना वो जल्दी गंदे हो जाते हैं उसके, तो इसलिए फिर मैंने अपने ये एक सूट धोया है बस। ते भी एक भिगो के रख के आई, आज दिरा जो आना है, आओ कहाँ जा रही हो? तो आज इसके ना दांत में दर्द है ना एक की दाढ़ में, तो ये भी परेशान है। तो मैंने कहा चलो इसके बाप आएंगे हम शाम को ना दवाई लेने जाएंगे। तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है इस टाइम, तो ये कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कूलर पंखे को साफ़ किया था, साफ़ करके उसके ऊपर कपड़ा दे दिया था। ये देखिए जी अब ये छुप गया है ना, अब इसके ऊपर मिट्टी वगैरह नहीं चढ़ेगी। तो कल ये देखिए यहाँ से मैंने कितना सुंदर साफ़ सुथरा करके गई थी, फिर से ये वैसा हो गया। तो यहाँ से अभी मुर्गे भी अंदर बैठी थी इसलिए क्या हो गया, कौन है मुर्गा था, कुछ नहीं कहता। तो आज मेरा इतना दिल कर रहा है ना कि मैं नाते सुनाऊं, नाते बस कहती रहूं। तो फिर सोच रही हूं कि मैं आज कैब लेती हूं क्योंकि नीचे भाई आए हैं अदरीस के बड़े, तो इसलिए ना फिर मैं नीचे बैठक में बैठी हुई थी, मैंने कहा बस नहीं मैं भी सुनाती हूं, ऊपर जाके ना फिर सुनाऊंगी। तो चले जी अभी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी सलाम, सलाम कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। क्या हो गया आप भी सुना दो, चलो अनाया भी सुनाएगी, चलो नाच सुनो। ये वाली सुना हो गया, और सुनाते हैं और। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सोना लग दयाली वाला, सोना लग दयाली वाला, सोना लग दयाली वाला, सोना लग दयाली वाला, किसे भी मैदान विचो जा सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं ओ भजदाली वाला, सोना लग दयाली वाला, सोना लग दयाली वाला, सोना लग दयाली वाला।
अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला, मार के बो दिला साई जिस दम हांडियां दे विच पाया है तेवर बदले लाल सकी दे जोश शहबाजुन आया बोदल किथे तू किथे तू किथे ते कुसड़ी दयाली वाला सोन लगी दयाली वाला ते कुसड़ी दयाली वाला सोन लगी दयाली वाला अली मौला मौला अली मौला हसन दा बाबा तू गिर नबी दा मैं मंगती तेरी तू मौला मेरा साया हसन दा बाबा तू गिर नबी दा मैं मंगती तेरी तू मौला मेरा तेरे दर जो आवे कलंदर बन जावे तेरे दर जो आवे कलंदर बन जावे एथे इस गल झुकियाए सर मेरा हसन दा बाबा तू वीर नबी दा मैं मंगती तेरी तू मौला मेरा अली दी गुलामी वाला कर रुकदार बड़ा ही नसीबा वाला उदा हुपदार याली दी गुलामी वाला करी करारे बड़ा ही नसीबा वाला उदा हुपदार सदा सुख पावेगा ओ जन्नत जावेगा सदा सुख पावेगा ओ जन्नत जावेगा जिदे दिल विच होवे तेरी विलास निदा बाबा तू वीर नबी दा मैं मंगती तेरी तू मौला मेरा हसन दा बाबा तू वीर नबी दा मैं मंगती तेरी तू मौला मेरा तेरे दर जो आवे कलंदर बन जावे तेरे दर जो आवे कलंदर बन जावे इथे इस गला झुकियाए सर मेरा हसन दा बाबा तू वीर नबी दा मैं मंगती तेरी तू मौला मेरा जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है हर जमाना हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है ये जो काबा है तुम न समझोगे ये जो काबा है तुम न समझोगे घर पुराना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है।
जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हर ज़माने हर ज़माने हुसैन कहे। रात से दिन जो ये निकलता है, रात से दिन जो ये निकलता है, मुस्कुराना हर ज़माने हुसैन कहे, हर ज़माने हुसैन कहे। ये जो जिसको ये आसमां समझते हो, जिसको तुम ये आसमां समझते हो, शामिलाना मेरे हुसैन कहे, हर ज़माने हुसैन। तो जी प्यारे बहन भाई, मैं इसलिए स्लो स्लो नाते सुना रही हूँ आपको क्योंकि नीचे भाई बैठे हैं। तो आपको तो पता है जब भाई घर नहीं होते ना, जब भाई घर नहीं होते फिर मैं ज़ोर ज़ोर से सुनाती हूँ, तो इसलिए ना फिर मैं कह रही हूँ चलो ऊपर, इसलिए मैं ऊपर आई, मैंने कहा ऊपर ही जाके ना मैं सुना देती हूँ, नीचे ना भाई है तो थोड़ा सा शर्म आती लिहाज आती है और ये मेरे तमाशे देख रही है, देखो नया कौन आया जो, तो इसीलिए ना मैंने कहा चलो मैं सुना दूँ। आपको तो पता है कि एक ही चीज़ें दिखा दिखा के ना फिर बंदा बोर हो जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे। अच्छा, तो इसीलिए ना फिर हम वो कर रहे हैं, नीचे आए हैं नायक दृश्य के अबू और उनकी अम्मी, तो अभी हम जाते हैं जी नीचे। तो हाँ जाओ आप, मैं आ रही हूँ। तो नया खुश होगी कि मम्मा आज नीचे दादी और दादा आया है, तो जी अभी हम जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं नीचे, फिर इंशाल्लाह हमसे मुलाकात करते हैं, फिर अपनी बहन भाई से मुलाकात करते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं और कपड़े भी धो के मैंने कुछ सुखा दिए हैं। तो अभी नाई भी यहाँ पे सो गई है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर। तो ऊपर चल के ना कपड़े वगैरह उतारते हैं क्योंकि सूख गए होंगे, दोपहर के मैंने धोए हुए थे। तो अभी ना मैं जा रही हूँ ऊपर, तो इंशाल्लाह हम अपने इफ्तारी की तैयारी भी शुरू कर रहे हैं और वो भी अपनी बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग ने इसी तरह हमारी वीडियो के साथ रहना है, हमारे ब्लॉग को पूरे देखना है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये देखें कपड़े हमारे सूख गए हैं, तो मुर्गा भी मेरे इंतज़ार में रुका हुआ था यहाँ पे कि ये ऊपर आए तो मैं इसे मारूं। खैर अभी हम ग्रीस के कपड़े उतारते हैं, उतार के उसको प्रेस करते हैं ताकि वो आके चेंज करें, मुझे लग रहा है कि वो आ जाएंगे अभी। तो क्या पता अफ्तारी घर पर करें, तो इसीलिए ना मैं कह रही हूँ कि उसके आने से पहले मैं प्रेस करके रख दूँ ताकि वो आके नहा ले और इजी होके पहन ले कपड़े को। तो नए भी सो गए, मैंने भी अनाया को भी लहनाना था, उसने भी सांस फूल के बोला भी नहीं जा रहा, तो ना वो फिर सो गई है। मैंने कहा चलो उसे भी कहते मम्मा मैंने नहाना है, मैंने कहा चलो मैं आपको भी नहला दूंगी। तो अभी तक ना फिर वो सो रही है। खैर अभी हम उतारते हैं जी अपने कपड़े, देखिए मैंने धोए था, एक ये सूट है मेरा, एक और मैंने ब्लैक धोया था, अभी हम लेके जाएंगे नीचे। तो मैं देखते हैं, क्या पता कह रहा था कि शाम को उसकी सिस्टर के घर जाएं हम, क्या पता अब जाते भी हैं कि नहीं।
तो जब से तबीयत डाउन हुई है ना मेरी, ख़राब होना शुरू हुई है, कहीं पे जाने का दिल भी नहीं करता। अल्लाह 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 ये ऐसा ऐसा ना इधर आ रहे थे, ये ना मेरी कमीज के शीशे को देख के ना डर रही है। हाँ जी, कमीज के शीशे ना, ये देखें, ये दीवार पे जो उनसे ये वाली, इनको देख के ना डर रही है, कमीज के मेरे शीशे हैं ये, फिर डर के मारे कह रहे पता नहीं क्या है, इसलिए ना इससे डर रहे हैं ये देखें, इसलिए फिर ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। खैर अभी मैं ना कैसे उतारूंगी कपड़े, मुझे खुद को भी डर लग रहा है, मैं इधर जाती हूँ डर के मारे भागने लग जाते हैं, ये देखे मेरी तरफ ही आ रहे पागल। खैर हम जाते हैं, अभी आ गए, ये देखिए मारने के लिए आ रहा है अभी। तो ना अभी हम जा रहे हैं जी नीचे चलते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं दृश के, ये देखिए जी मैं लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे मुर्गा चाचा, चल कोड़, ये बड़ा गंदा है, बात भी नहीं मानता, कोड़ कोड़ कोड़, चलें जी मैंने इसको भगा दिया है, तभी मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे चल के कपड़े प्रेस करते हैं, फिर इंशाल्लाह अपनी बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। मैंने दूसरे दिन जो उनसे उस पर छत पे है कपड़े, वो मैंने नहीं उतारे इनकी वजह से, क्योंकि ये मारने के लिए ना पीछे आती हैं। चलो इसको मैं बाद में देखती हूँ, अभी हम जा रहे हैं नीचे, नीचे चल के इंशाल्लाह कपड़े प्रेस करते हैं, फिर अपनी बहन भाई के साथ अपनी अफ्तारी भी शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने दरीस के कपड़े प्रेस कर लिए हैं, ये देखिए इसकी मर्ज़ी, ये वाला पहने ये वाला के पहने। तो मैंने आटा भी गूंथ लिया है शाम का, ये देखिए जी आटा भी गूंथ के रख दिया है, और दाल भी मैंने गर्म करके पहले रख ली है, तो क्योंकि वो ना अभी रोटी बना के रख दूँगी तो मुझे लगता है वो नहीं आएंगे दरीस, तो हम लाइट जला देते हैं अभी। हाँ जी, तो मुझे लगता है वो नहीं आएंगे घर पर तारी करने के लिए, तो टाइम काफ़ी हो गया है, तो मैंने कहा चलो बस मैं आटा ही गूंथ के रोटी बना के रख देती हूँ, और उसे जिस टाइम भी भूख लगेगी तो फिर वो खा लेंगे। तो वैसे तो वो इतनी नहीं खाते, लेकिन वो पानी पी पी के ना उसका पेट फुल हो जाता है पुलिस का, तो सही टाइम बस फिर वो काम आ जाती है, रोटी रख देते हैं। तो आपको तो पता है रिज़्क़ को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए जो रोटी बचते फिर उसको रख देते हैं, या उसको कभी कभार घी लगा देते हो, कभी कभार वो इस तरह से खाते, एक दोने वाले खाते हैं बस, तो फिर बस चाय पीते हैं, तो इसलिए ना फिर तो चले जब भी हम बना लेते हैं रोटी, इंशाल्लाह अभी आएंगे अभी से भी करवाएंगे आपकी मुलाकात हम अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखेंगे अपने ख्याल, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।